सेना के टेस्ट में 3 बार हुआ फेल, ऑटो ड्राइवर पिता की मौत के बाद खाई कसम, सबसे लड़ा और फिर बना ली टीम इंडिया में अपनी जगह। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान हो चुका है। इस टीम में 2 नए चेहरों को मौका मिला है, जिनमें रजत पाटीदार और मुकेश कुमार को पहली बार टीम में शामिल किया गया है। जैसे ही इस लिस्ट में मुकेश कुमार का नाम आया तो सब हैरान रह गए। मुकेश कुमार बिहार के गोपालगंज के रहने वाले हैं। उनका जन्म एक गरीब परिवार में हुआ और जीवन मुफलिसी में बीती। ऐसे में जब जिले के लाल का चयन टीम इंडिया में हुआ तो इलाके के लोग जश्न मनाने लगे। सदर प्रखंड के काकड़कुंड गांव के रहने वाले मुकेश कुमार का टीम इंडिया में चयन होने के बाद उनके गाँव में मीडिया का जमावड़ा लग गया। चलिए आपको सुनवाते हैं मुकेश की माँ ने क्या कहा। बहुत दिल खुश हो गया, हमारे बाबू खेलता रहे, बाबू का हमारे ये जीत हो जाए, हमारे बहुत खुश बानी। कैसे कैसे मुकेश खेलते थे और आज वहाँ पहुँचे हुए हैं? बचपन छोटे से खेलते खेलते चौपल बड़े, छोटे से खेलते खेलते एक बार वहाँ ले चौंक गए। उनको मेहनत, भगवान के कृपा, संसार के गांव जवाब, संसार के दुआ, बाप पिता माता के दुआ से पहुँचल बड़े। कल शामे के बात कैले 7 बजे रात में पहुँचे, माँ हमार सिलेक्शन हो गई, तार आशीर्वाद, हम बाबू हमार आशीर्वाद कबू, तार साथ कबू खुशी हम रहे आ कबू तुम खुशी रह। मुकेश के बचपन के दोस्त भी इस खुशी को सेलिब्रेट कर रहे हैं, अपने दोस्त की उपलब्धि पर काफी खुश हैं। बहुत खुशी की बात है, यह गौरवान्वित पल है कि गोपालगंज की गलियों से निकलकर आज यह बंगाल से होते हुए इंडिया टीम में पहुंच गए हैं। यह पूरे जिला और गांव के साथ साथ राज्य के लिए गौरव की बात है कि यह वहां पहुंचे हैं। मुकेश काफ़ी प्रतिभाशाली खिलाड़ी शुरू से ही रहे हैं। जब कभी हम लोगों की बात होती है कॉन्फ्रेंस पर, उनकी माता जी भी हम लोगों के साथ जुड़ी रहती हैं, हम वह रहते हैं, तो एक मजाक के क्रम में बात बोलते हैं कि एक बात है भैया कि बड़ी खुशी की बात है कि धीरे धीरे मेरी माँ भी अब भोजपुरी से हिंदी बोलना सीख गई है। और आप लोग देख भी रहे होंगे कि अभी टूटी फूटी भोजपुरी के साथ टूटी फूटी हिंदी भी बोल रही हैं, और आने वाले समय में हमको लग रहा है कि वो निरंतर मैच खेलते जाएंगे और माँ का हिंदी भी अच्छा होते जाएंगे। मुकेश पहले गोपालगंज में क्रिकेट खेलते थे और उनका प्रदर्शन अच्छा था। वो बिहार के लिए अंडर 19 भी खेल चुके हैं। इसके बाद पिता ने नौकरी के लिए उन्हें कोलकाता बुला लिया। हालांकि कोलकाता में भी मुकेश ने क्रिकेट खेलना जारी रखा। इस बीच मुकेश ने सेना में शामिल होने के लिए जमकर प्रयास किए, लेकिन 3 बारों मेडिकल टेस्ट में फेल हो गए। इसके बाद वो कोलकाता पहुंचे और क्रिकेट फिर से खेलने लगे। वहीं बंगाल के लिए रणजी डेब्यू के बाद मुकेश ने शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने आकाशदीप और ईशान पोरेल के साथ मिलकर बंगाल की गेंदबाजी को मजबूती दी। इसके बाद एक के बाद एक मुकेश को सफलता मिलती रही और अब वो नेशनल टीम में शामिल हो गए हैं। न्यूज़ लाइफ डेस्क, पटना।